तो भाई लोग ख्याल चाली होपफुली सब बोरी होगा। अब देखो फाइनली यहाँ पे आज अपन ने अपनी डुओ के रैंक कुछ भी स्टार्ट कर दिया एंड अभी क्लियर यहाँ पे डायमंड 2 तक मैं पहुँच चुका हूँ एंड आज का अपना टारगेट जो है वो क्राउन 3 तक पहुँचने का है। देखते हैं यार हो पाता है कि नहीं हो पाता। बाकी तेरा आप लोग रहेंगे डियर अभी क्या चल रहा है एक बार इधर में वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। एंड अभी क्लियर यहाँ पे देखो ज़्यादा टीयर है नहीं तो इतने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर खास लॉबीज आ नहीं रहे तो एक दो दिन यार यहाँ पे थोड़े से डिसेंट गेम प्ले देख के खुश हो लेना क्योंकि उसके बाद यार यहाँ पे प्रॉपरली अपनी जो कॉन्करर लॉबीज के गेम प्ले रहते हैं वो तो आना शुरू हो ही जाएंगे। बाकी आज के वाले फर्स्ट मैच की बात करें ना तो देखो ये वाले मैच में भाई कुछ अलग ही लेवल की तबाही होने वाले क्योंकि यार यहाँ पे अपने को हॉल पे बंदे हैकर तक बोलने लगे थे इतने ज्यादा किल्स अपन ने कर लिए थे। अब यार देखो ये वाले मैच में सीन ऐसा था ना कि अपन यहाँ पे बंदों को ढूंढने कहीं पे भी नहीं जा रहे थे। अपन यार यहाँ पे मस्त जोन के सेंटर के अंदर मतलब जोन का सेंटर बोलो या फिर मैप का सेंटर जो भी बोलो यहाँ पे अपन उतरे थे और बैक टू बैक बंदे जो थे ना वो अपने पे आए ही जा रहे थे आते ही जा रहे थे। और अब अगर यार यहाँ पे बंदे ही जो है वो सामने से किल्स देने आ रहे थे यार फिर सामने से आने वाले किल्स को तो यार यहाँ पे कैसे ही मना कर सकते। बैक टू बैक जहाँ जहाँ भी बंदे दिख रहे थे वहाँ वहाँ पे अपन बंदों को भर रहे थे। और यार जैसा कि मैंने बोला कि यार यहाँ पे अपने को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती बंदे बग्गी लेके गाड़ी लेके पैदल और घूम फिर के यार अगर भाई और कुछ नहीं मिला तो यार यही के यही हमारे ऊपर ही लैंड कर रहे थे। सो भाई बैक टू बैक पता नहीं यहाँ पे मैंने 14-15 किल कैसे निकाल लिए यही समझ में नहीं आया लेकिन जो भी और यहाँ पे भाई इतने सारे किल्स देखे ना हॉल पे तो यार यहाँ पे कुछ अलग ही लेवल की भसड़ चल रही थी। यहाँ पे भाई एक फ्रेंड जो था वो स्पेक्टेट कर रहा था और वो बोलता है कि यार यहाँ पे हॉल में सारे एक सारे बंदे यार मेरे को सिर्फ हैकर ही बोल रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है या फिर कोई पहली बार नहीं हुआ कि यार यहाँ पे हॉल पे अपने को हैकर बोला जा रहा है क्योंकि यार 14-15 साल के बच्चे को यार और कुछ काम नहीं रहता। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी अच्छा खेलता हुआ देख लिया या फिर किसी के ज्यादा किल्स देख लिया ना तो सीधा वो हैकर ही बोलते उसको। अच्छा भाई यदि ये सब चीज़ें छोड़ो वापस से यार यहाँ पे गेम की बात करें तो देखो बस यहाँ पे भाई 100 मीटर के एरियाज में अपन ने यहाँ पे टोटल 18 किल्स निकाल लिए थे और अभी भी भाई 18-19 बंदे बचे थे। तो यार हम लोग ने सोचा कि यार ये वाले मैच में जितने ज़्यादा किल्स हो सके उतने ज़्यादा किल्स निकालने का ट्राई करते हैं।
नहीं करते फिनिश नहीं करते, हाई लॉबी में है ना बंदे, फिनिश ही नहीं करते जानबूझ के। जब मैंने डीओ में कंट्रोल लगाना भाई, फिनिश ही नहीं करते बंदे, और हैकर भी इतने आते हैं ना। अरे भाई अब देखो यार, ये वाले भाई मैच में अपन ने इतनी तबाही मचा दी थी कि यार यहाँ पे जोन जो था वो भी बहुत बड़ा था और बंदे बहुत कम बचे थे, तो यार जल्दी से हील वील मार के यार यहाँ से सीधा भाई और बचे हुए जो बंदे हैं ना उनको ढूंढने निकल जाते हैं। उसको बोलना है ना और भाई यार ये वाले बंदे को निपटाने के साथ ही ये वाले मैच में भी इजीली चिकन निकाल लिया जाता है। एंड अब भाई 24 किल्स थे तो 37 का प्लस मिल जाता है। अब अगर यही सेम 24 किल्स जो है वो मैंने नॉर्मल मोड में किया होता, नॉर्मल एंगल में किया होता, तो शायद से भाई मेरे को 60 के आसपास का प्लस मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं यार, यहाँ पे इवेंट वाले मोड में भाई इतना प्लस भी बहुत हो जाता है। बाकी बढ़ते राज के सेकेंड गेम प्ले की तरफ। गन नहीं मिलती लड़कियों के नाम पे भाई, गन तुरंत क्यों मिलती? अरे मानसी जी हम नहीं कर रहे फिनिश, डोंट वरी, हमारा दूसरा टीममेट भी ऊपर ही है, हमें पता है तुम्हारी साथन सहेली पुत्री मानसी आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? लेकिन इस बार यहाँ पे बंदे नहीं आए थे, सिर्फ एक ही डुआ आया था जिनका यार एक बंदा ऑलरेडी नॉक फिनिश डाल दिया गया था यहाँ पे, और जो दूसरा बंदा बोलो या फिर बंदी बोलो वो नीचे नॉक पड़ी थी, तो उसका बंदा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका जो टीममेट था वो भी यहाँ पे सेम टू सेम जगह पे वापस उतरता है उसको बचाने के लिए, लेकिन भाई वो भी अपने हाथों मारा जाता है। इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर भाई रैंक पुश कर रहे हो ना तो कभी भी कोई गर्ल टीममेट को मत लेना टीम में, तुझे करते देगा। यहाँ पे मैं कुछ नहीं भूलूंगा चुपचाप भाई, यहाँ पे भाई इसको निपटा दे और लूट वूट करके यार यहाँ से भाई बचे हुए जो बंदे थे ना उनको भाई मारने निकल जाते, क्योंकि बोलने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है भाई। उसका नाम था पबजी, पबजी, पबजी। फिर एक दिन दोस्तों मार्केट में आई है माँ, नहीं सुखी बीरी है। भाई बंदा ये तरी, भाई दो बंदे ये तरी, ए भाई दो बंदे प्रेम हाला भाई हाला भाई हाला हेलो भाई, आग लगा दूंगा आग लगा दूंगा, ऊपर चढ़ा दूंगा। एंड अब यार यहाँ पे पता ही है भाई, जो ओल्ड सब्सक्राइबर है जो सुबह पिछले सीजन की स्क्वाड से हम लोग को देख रहे हैं भाई, मैं और एनग्रोज अगर साथ में खेल रहे तो भाई वहाँ पे गेम प्ले कब होगा, कम होगा। यहाँ पे बकलोलियाँ ज़्यादा चालू हो जाती है, पता नहीं क्यों वो अपने आप ही ये सब सीन होता है। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आए तो यार मेक श्योर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। Defend the mark. Okay.
भाई यार मजाक की बात है साइड में, मेरे को ये चीज एक्सप्लेन करो, बंदे से टकरा के गाड़ी इधर उधर कैसे हो सकती है भाई? यहाँ पे पेड़ के तो भाई यहाँ पे 2-3 इंच दूर थी, तो यार यहाँ पे गाड़ी टकराई तो टकराई कहा, ऊपर से बंदा कैसे नहीं नॉक हुआ ये मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन यार यहाँ पे वो टाइम पे अपना लक सही था कि जिस टाइम पे यहाँ पे गाड़ी जो थी वो ठुकी उसी टाइम पे यार यहाँ पे उसकी जो गन थी वो रिलोड पे चली जाती है, तो अपने को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है उतर के उसको मारने के लिए। चल अब ये बालकनी में चले गए, पक्का चलेगा, पक्का चल चुका है, जाए भी तू जागे। बाकी भी यहाँ पे लास्ट जोन की बात करें तो देखो हम लोग को छोड़ के अब यहाँ पे लास्ट में दो ही बंदे बचे थे, एंड दोनों के दोनों जो थे ना वो इधर सामने वाले कंपाउंड्स पे थे। जी जी मिस्टर भवरा वेयर आर यू? सुन M24 मार, M24 ये रहा, जस्ट इधर ही बैठा, जस्ट राइट पे बैठा, ठीक है जस्ट राइट पे बैठा, मार इसको बार बार मार, आई ये बड़ी। और जैसे कि यार मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यार थोड़ा सा लो टियर है तो यार लॉबीज इतनी कुछ खास आ नहीं रही, लेकिन कोई बात नहीं यार यहाँ पे 1-2 दिन रुक जाओ बस एकदम ही प्रॉपर यार यहाँ पे कॉन्क्रीट लॉबीज की गेम प्ले आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी देर बस इधर उसका गेम प्ले, अगर वीडियो को लाइक देना, चैनल पे कहीं से भी देखो चैनल को सब्सक्राइब तो मार ही देना, एंड अगर वीडियो को दोस्तों चाहिए देना। बाकी देर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस। For you, come along and see it's true.